नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है योगा लाइफ में और मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज हम दौड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की दौड़ लगाएंगे और उससे दौड़ लगाने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। दौड़ हमने इसलिए आज मैंने सोचा कि ये टॉपिक लाया जाए क्योंकि जब ये क्रिया हम करते हैं इसे हम क्रिया का ही नाम देंगे, ठीक है। करने वाला काम है तो क्रिया बोलेंगे। तो इससे शरीर में क्या होता है, थोड़ी चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। क्या कई बार क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं या शाम को, अगर आपको योग अभ्यास करना है तो कई बार बहुत सुस्ती छाई होती है सुबह उठने के बाद भी और शाम को भी, जब भी आपको करना हो। तो अगर योग अभ्यास करने से पहले, आसन अपने करने से पहले अगर आप ये क्रिया कर लेते हैं तो बॉडी में एनर्जी भी आ जाती है और आपका शरीर जो है अच्छे से गर्म भी हो जाता है, तो वार्म अप बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस क्रिया को बड़ी धीमी गति से कर सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से करके बताऊंगी, ठीक। आप इस चीज़ को दीवार का सहारा लेकर, जो बुजुर्ग हैं वो इस क्रिया को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अलग अलग तरह की दौड़ लगाएंगे, ठीक है, और बहुत सारा फायदा लेंगे। शरीर में चुस्ती फुर्ती लाना, शरीर का थोड़ा तापमान अच्छे से इंक्रीज करना ताकि हम और आसन अच्छे से कर सकें। और ये सब करने से जब पसीना आता है तो पसीने से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, वो शरीर को एक हल्कापन देने में काफ़ी सहायता करते हैं। उसके बाद जब पसीना बॉडी से निकलता है ना तो शरीर बहुत हल्का हो जाता है, तो जकड़न जो वगैरह होती है, स्टिफनेस होती है कहीं ना कहीं, वो भी धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। तो चलिए पहले हम धीरे धीरे ये खड़े खड़े थोड़ा अपने हाथ पैर हिलाते हुए ये दौड़ लगानी है। साइड से देखेंगे, ठीक है। अभी मैं अपना पूरा पैर रख रही हूँ, पूरा पैर उठा रही हूँ और बहुत आराम से, कोई भी अपनी एड़ी को जोर से मार के नहीं करेगा, ठीक है। बहुत आराम से आपको उठाना है और आराम से ही आपको रखना है। कम से कम आप इसको 2 मिनट कीजिएगा, 2 मिनट कम से कम। तो साथ में हम अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे, श्वास लेना छोड़ना। इस तरह से अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा अपनी बाजू को ऊपर नीचे साथ साथ ये ऐड करेंगे, हल्का हल्का। जो एज्ड पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इस क्रिया को बहुत धीमी गति से करिए, जितना उनको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। अगर आप और तेज करना चाहते हैं तो फिर धीरे धीरे अपना स्पीड बनाते रहिए। यस, थोड़ा हाथ आगे पीछे, पैर आपके यूं ही चलते रहेंगे, हाथों को आगे पीछे। आप देखिए टांगे तो अपना काम कर रही हैं, है ना, और जब हम बाजुओं को हिला रहे हैं तो शरीर का ऊपरी भाग भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। हमारे कंधे, हमारी बाजू, हमारी चेस्ट मसल, हमारी बैक मसल, ये। चलिए आप धीरे से रुकेंगे, अब हमें करना है थोड़ा सा और फास्ट। तो जब हम फास्ट करेंगे तो हम सिर्फ अपने पंजों पर, ठीक है, अब एड़ी को नीचे नहीं लगाना, अब हम अपने टोस पे रहते हुए अब ये करना है। अब देखो ये मुट्ठी बंद कर ली, टाइट मुट्ठी बंद करने की जरूरत नहीं है। अब बाजुओं को ये अच्छे से आगे पीछे, देखो मेरा बाजू मुड़ा हुआ है, सीधा नहीं करना है इसको, मुड़ी हुई बाजू पीछे, एक बाजू पीछे एक आगे, पीछे जा रही है, कंधा, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपका पूरा एरिया काम कर रहा है। और जब हम टांगे करेंगे तो फिर आपके हिप, आपके थाई, अच्छे से पूरा बॉडी। अभी देखो मैं अपना एड़ी नीचे नहीं लगा रही, ये वॉक, लंबी लंबी श्वास, दो से तीन मिनट
बाजुओं को बहुत अच्छे से हिलाना है हमें। स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और थोड़ा 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 अब सच में भागना शुरू करेंगे। बाजू अभी भी, यस, इस तरीके से। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो धीमी गति से रुके, लंबी लंबी श्वास लें। ठीक, अब अगली क्रिया, हाथों को यूं रखना है पीछे, ठीक है, यूं रखा। अब अपनी एड़ी से हमें अपने हाथ को टच करने की कोशिश करनी है। ये देखो, ये टच हुआ। अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कीजिए। पहले राइट लेफ्ट, इस तरह से, ठीक है। और आगे जब हम खड़े होंगे तो पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, यूं करके नहीं करना इसको, गैप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने सिर्फ 20 किए, आप कम से कम 50 करो, 100 तक जाओ, ठीक है। तो दो दो मिनट, 100 करने में आई थिंक 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। मैंने टाइम नोट नहीं किया है, जस्ट आइडिया है कि इतना तो लग ही जाएगा समय, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अब अगर किसी को लगता है कि मैं बिल्कुल भी खड़े होके तो भाग नहीं सकता या भाग नहीं सकती, अब उनके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो जो खड़े होके कर सकते हैं वो भी इस क्रिया को आगे बीच में ऐड करें, जो खड़े होके नहीं कर सकते वो तो करेंगे ही करेंगे। तो बैठना है आराम से, आप अपने बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, ठीक है। अगर घुटने नहीं मोड़ सकते तो टांगे सीधी करके बैठ जाओ, सामने की तरफ फैला के बैठ जाओ। जो घुटने मोड़ सकते हैं वो इस तरह से बैठ जाइए, ठीक है। तो चाहे टांगे सीधी हैं चाहे मुड़ी हुई हैं, हमें करना क्या है, थोड़ा सा ये शरीर आगे किया, हल्का सा, बहुत हल्का सा, झुकना नहीं है हमें, थोड़ा सा शरीर आगे, हल्का सा आगे किया। तो जब आगे किया तो कोई भी यूं करके आगे नहीं आएगा। देखो मेरी बैक देखो अभी, ठीक है। तो हमें अपनी चेस्ट को करना है आउट, ये, ताकि हमारा स्पाइन हो जाए स्ट्रेट, हल्का सा आगे आए। अब जो मैंने खड़े होके बताया, हल्की सी मुट्ठी बंद, एक बाजू पीछे, जितनी पीछे जाए एक बाजू आगे। तो अब जितनी स्पीड बना सकते हो ना वो बनाओ, जितनी तेज गति से इस क्रिया को कर सकते हो करो, तो सांस लेना छोड़ना चालू रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जिस गति से आप इसको करेंगे उस गति से आपकी श्वास चलेगी। अब आप धीरे कर रहे हैं तो श्वास धीरे, ठीक है। पर कोशिश करें, मैं यही करूंगी कि आप जितना अपने शरीर के मुताबिक फास्ट कर पाए, जरूर करेंगे। एक बार फिर से करते हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए। ये तो इसको भी कम से कम 1.5 से 2 मिनट आपको जरूर करना है। ये हो गया बैठ के। चलो अब लेट के भी दौड़ते हैं, वो कैसे दौड़ना है वो देखेंगे। तो सीधा लेटेंगे अपनी मैट पर ऐसे, ठीक है। अभी टांगों को आराम देते हैं, टांगों को हम कुछ नहीं करते, अभी हाथों के साथ दौड़ लगाते हैं जैसे बैठ के लगाई थी। एक कोहनी आगे, पर एक ध्यान रखना कि आपकी जो कोहनी अब इसमें ज्यादा पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे जमीन है या बेड है तो आप इसको जोर से मारना भी मत, ठीक है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है, हर्ट हो सकते हैं आप। तो इसको बहुत केयरफुली, ये थोड़ा थोड़ा, ये देखो एक बाजू इधर इधर, जैसे हम दौड़ते हुए हमारे हाथों का एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, वही हम कर रहे हैं। टांगे या तो आप सीधी रख सकते हो या मोड़ के भी रख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो थोड़ी थोड़ी दौड़ लगाते रहिए ऐसे ऐसे, इसी में इतना पसीना आ जाएगा, आपके शरीर की ताकत लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़, ये चीज़,
तो जब ये ऊपर का एरिया थक जाए, पोर्शन थक जाए, तो अब आएंगे थोड़ा सा पैरों में। तो अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, सीढ़ियाँ एक एक कदम, एक एक कदम, एक पैर ऊपर, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, एक एक कदम करके हम सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं सारी, है ना। तो वो सीढ़ी चढ़नी है, तो क्या करोगे आप, हल्का सा ये 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 यहाँ तक सीढ़ी चढ़ी, अब वापिस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वापिस वापिस वापिस, फिर ऊपर 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 ऊपर, ये सीढ़ी चढ़ते हुए वापिस नीचे 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 नीचे, यस, फिर ऊपर ऊपर, इस तरह से। इमेजिन कर लो कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, तो जितना अपना स्पीड अप बना सको उतना अच्छे से इसको करते रहिए ऐसे। इसको भी कम से कम एक मिनट, डेढ़ मिनट, ये ठीक है, ये हो गया। अब सीढ़ियाँ चढ़ने वाला भी हमने दौड़ने में ऐड कर लिया, क्योंकि हम ज़्यादा, कुछ लोग सीढ़ियों पे, सच की सीढ़ियों पे फटाफट चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, ये वर्कआउट करते हैं। तो अगर जिन लोगों से ऐसा नहीं होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना किया गया है, घुटने में दर्द है, तो हम तो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे वैसे, नहीं तो ऐसे, ठीक है। तो दोबारा से देखें, एक पैर ऐसे अपने, अगर नी थोड़ा थोड़ा मुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, हमें बस अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन देना है कि हम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ। जब आप करोगे, मन से करोगे, विश्वास से करोगे, तो शरीर स्वस्थ होगा ही होगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कीजिए ज़रूर, और बताइए ज़रूर कि कैसा लगा करके, और आगे शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, योगा लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, YouTube, Instagram, Facebook, हर जगह आप योगा लाइफ फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।